नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर, मैथ एक्सपर्ट, आप लोगों का सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट। आपके कमेंट और लाइक से मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर संभव, आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर से समझ में आए। जल्दीबाजी कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके अप लेवल तक चलेंगे। लॉकडाउन के दौरान मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेफ्टी और अपने देश की सेफ्टी रखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी से ज्यादा मेल मिलाप बिल्कुल न करें। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप सभी समझदार हैं और इसीलिए आपको घर बैठे हुए इसका सदुपयोग करना है, समय का। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं हम मैथ की सिफ्टी भाग टू में। बिल्कुल जीरो से जीरो बताऊंगा, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन के बिना कभी कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे सब छोटी छोटी चीजें बता रहे, हाँ मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से कहीं भी डिफेक्ट खाए। आओ चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हम। जैसे 12 गुना 12 12 गुना 12, टाइप थ्री में हम देखेंगे दो अंकों के सभी तरीके के, जो भी अंकों, दो अंकों में जो भी सभी तरीके की संख्या है उनकी कैलकुलेशन 12 गुना 12। हम सभी जानते हैं 12 गुना 12 144 होते हैं, 12 का तो आराम से ही हर व्यक्ति कर सकता है, सबको आता है। पर मेरा बताने का कारण ये नहीं है कि 144, मैं बता रहा हूँ आपको छोटे से छोटे लेवल से लेके अप लेवल तक का ये कैसे आया। अब इसको हम हमारे तरीके से करेंगे। जब भी कोई दो अंकों की संख्या आपस में गुना हो रही है, जब भी कोई भी उसकी इकाई अंक सिमिलर है, समान है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस तरीके का मल्टीप्लाई है कि उसमें केवल दो दो अंक हैं, दो अंकों वाली संख्या का, तो हम क्या करेंगे, संख्या को ऊपर नीचे रख लेंगे, संख्या को ऊपर नीचे रख लेंगे। किस तरीके से, 12 12, 12 गुना 12 करना है तो इस तरीके से रख लेंगे। पहला स्टेप चलेगा इधर से, पहला स्टेप इधर से, दो दूनी चार। फिर दूसरा स्टेप होगा क्रॉस में, दूसरा स्टेप होगा क्रॉस में, दो एकम दो, दो दो कितने होते हैं भाई, चार। एक गुना एक करेंगे, एक गुना एक करेंगे क्या आएगा, एक, तो 144। अभी शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन के लिए आपको लगेगा ऐसा कि ये थोड़ा टफ है, बाकी आप 5-7 क्वेश्चन करने के बाद बहुत इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे हमें करना है 21 गुना 21 21 गुना 21, और उसी तरीके से संख्या को ऊपर नीचे रख लेंगे। पहला स्टेप होगा पहली संख्या को गुना करेंगे आपस में, एक गुना एक, एक गुना एक, क्रॉस में कर लेंगे, दो एकम दो दो एकम दो 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 नहीं चार, दो दो कितने हो गए भाई, चार, तो यहाँ पे चार आ जाएगा। थर्ड स्टेप होगा अंतिम संख्या को गुना करना, दो दो नहीं चार, तो कितने आ गए, 441 441। ये छोटी छोटी संख्या सभी वैसे भी गुना कर सकते हैं, इसमें अपने ट्रिक लगाने की बड़ी बात नहीं है। जैसे बड़ी संख्या देखते हैं अपन यहाँ से, जैसे 32 गुना 33 करना है, 32 गुना 33 करना है, तो 32 और 33 को ऊपर नीचे रख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दूसरा स्टेप
तीन तिया नौ और तीन दूनी छह, कितने आ गए भाई, 15 का 5 का, तीन तिया नौ, नौ और एक 10, नौ और एक 10, तो कितने आ गए 1056। देखो बड़ी संख्या है, कैलकुलेशन में बहुत कम समय लग रहा है, अब धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही समय कम होगा, आपको इजी लगेगा। जैसे अगला कोई सवाल है, जैसे 23 गुना 23 मान लो, कोई जरूरी समान संख्या तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं ताकि असमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 23 गुना 23 तो क्या करेंगे, 23 दोनों संख्याओं को आपस में ऊपर नीचे रख लेंगे इजी वे तरीके से, 3 दिया 9 क्रॉस में गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 क्या हो गया 12, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, तो कितने हो गए 529, कितने हो गए 529। जैसे कोई भी है, जैसे 32 गुना 44 करना है, 32 गुना 44 असमान संख्या है, कोई दिक्कत नहीं असमान पे लगेगा, उसी तरीके से 32 को ऊपर रख लेंगे 44 को, जरूरी नहीं कि 32 को ऊपर रखे 44 को भी ऊपर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्रॉस में कर लेंगे, 4 किया 12, 4 दूनी 8 कितने हो गए भाई 20, होसल लगी 2, 3 चौको 12, 12 दो 14, तो 14 0 8, इसी तरीके से आगे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 53 गुना 42, 53 गुना 42 तो 53 को ऊपर रख देंगे 42 को नीचे, कोई भी संख्या को आप ऊपर रख सकते हो नीचे रख सकते हो कोई फर्क नहीं होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 कितने हो गए भाई 22 का 2 का हासिल लगे 1, 5 चौका 20, 22 का 2 का हासिल लगे 2, 5 चौका 20, 20 2 22 तो कितने हो गए 2226, कितने हो गए 2226। इसी तरीके से कोई भी दो अंकों वाली संख्या ले सकते हैं, जैसे बड़ी संख्या वो ले लो, जैसे ले लिया 61 गुना 78, 61 गुना 78, 61 बटे 78 हो गया, 8 एकम 8, 6 48 और 7 एकम 7 कितने हो गए 55, 55 का 5 का होसल लगे 5, 6 7 42, 6 7 42 होसल लगा देते 5, 42 से 5 47 तो क्या हो जाएगा 4758। बाकी हम अपने बेसिंग मेथड से करते हैं तो 15 सेकंड, 15 क्या 25 सेकंड लग जाएंगे और इससे आराम से 2-3 सेकंड में इजी वे कर सकते हो आप, बार बार तो कोई भी चीज प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है। आगे देख लो, 92 गुना 43, देखो काफी बड़ी संख्या है, 92 गुना 43 कोई भी संख्या ऊपर नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 92 43, 92 43, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 क्रॉस में गुणा कर ले, 9 तिया 27, 4 दूनी 8 कितना हो गया भाई 35, 35 का 5 का होसल लग गई 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 से 3 कितना हो जाएंगे भाई 39, कितने हो जाएंगे 39। मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आपको देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में
उसमें से 80% कैलकुलेशन, 80 या 85% के लगभग दो अंकों वाली ही आएगी। और जब आप 85% दो अंकों वाली आएगी तो आप समय बचा सकते हैं। अब आगे देखो, तेईस गुना 63 64 कर लो इसको, ठीक है। इसमें सिमिलर का कोई मतलब नहीं है, वही कोई भी संख्या को आप ऊपर नीचे रख सकते हो। 4 3 12 औसत लगी 1, 4 2 8, 6 3 18, 18 1 19, 19 8 27, 27 को 7 का औसत लगे 2, 6 2 12, 12 2 14, तो 1472, 1472। मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइएगा, कोई भी किसी भी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। 83 गुना 32, 83 गुना 32, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो, अब आराम से 2-3 सेकेंड में हो सकती है। 32, 83 गुना 32, 83 गुना 32, 3 2 6, पहले 8 2 16, 3 3 9, कितने हो गए भाई 25, 25 का 5 का औसत लगी 2, 8 3 24, 2 26, कितने हो गए 2656, 2656। अगला देखो, 21 गुना 93, 21 गुना 93, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, कितने हो गए 15 का 5 का, 9 2 18 और 1 19, बिल्कुल 2 सेकंड में हो रहा है। ये कोई रटे हुए सवाल नहीं, कोई भी संख्या कोई भी ले सकते हैं आप इस तरीके से। जैसे 13 गुना 53, 13 गुना 53, खैर ये तो थोड़ा सा इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 13 गुना 53, 3 3 9, 3 1 3, 5 3 15, कितने हो गए 18 का 8 का औसत लगे 5 5 6, 5 5 6। अगला सवाल देखेंगे, 72 गुना 74, 72 गुना 74, 4 2 8, 72 गुना 74, 4 2 8, 7 4 28, 7 2 9, 14, कितने आ गए 3 1 4, 2 42 का 2 का औसत लगे 4, 7 7 49, 49 4 53, तो 5588, 5588। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी बात है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये हो गया हमारे दो अंकों की संख्या। अब आगे चलेंगे टाइप थ्री में, आगे चलेंगे हम टाइप थ्री, हो गया फोर में, ठीक है दोस्तों। देखो मेरी एक वीडियो और आएगी कैलकुलेशन की, उसमें सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। लास्ट वीडियो कल मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। अब देखो, 100 से कम वाली संख्या, 100 से कम वाली संख्या, बिल्कुल 100 के नजदीक हो पर 100 से कम हो, उनको देखेंगे हम 2-2 सेकंड में हो जाएगा। जैसे 95 गुना 95, हम ये देखेंगे सबसे पहले 100 से कितने कम है भाई, कितने कम है 5, कितने कम है 5, ये कितने कम है भाई 5, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात समझना है।
तो जो भी ऊपर की संख्या होगी उनको आपस में गुणा कर देंगे, 55 25 इसको इसमें से क्रॉस में घटाना है, कोई भी संख्या को घटा दो, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से, एक को घटा दो, मान एक क्या आएगा, यदि 95 में से 5 गया तो क्या आएगा 90, और 95 में से 5 गया तो 90। इसी तरीके से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 94 गुना 95। सबसे पहले देखेंगे ये कितना कम है, ये कितना कम है 100 से 6, ये कितना कम है भाई 100 से 5, इनको अपन आपस में क्या कर लेंगे गुणा, 6 5 30। या तो इसको इसमें से घटा लो तो भी वही बात होगी, या इसको इसमें से घटा लो तो भी वही बात होगी। तो हम इसको 94 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 89, क्या आ जाएगा 89, और 95 में से 6 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा 89 आएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जैसे 98 गुना 92 करना है, 98 गुना 92 करना है, काफी बड़ी संख्या है, यदि बेसिक तरीके से करेंगे तो वो 20 सेकंड लग जाएगी, हमारे मेथड से मात्र 2 सेकंड। देखेंगे ये 100 से कितनी कम है, कितनी कम है भाई 2 कम है, कितनी कम है भाई 2 कम है, ये 8 कम है, 100 से 8 कम है, 92 8 कम है, ये 2 कम है, तो 8 दूनी 16, चाहे इसको इसमें से घटा लो चाहे इसको इसमें से घटा लो, 98 में से 8 जाएंगे तो 90, 92 में से 2 जाएगा तो 90, चाहे क्रॉस में घटाना है संख्या को, चाहे एक संख्या घटा लो कोई सी, 92 में से 2 गए तो भी 90 आएंगे, 98 से 8 गए तो भी 2 आएंगे। आगे चलेंगे, 97 गुना 91, 97 गुना 91 कितना कम है भाई 3, कितना कम है 9 दिया 27, जितना भी अंतर होगा उनको गुणा कर लेंगे, चाहे इसको इसमें से घटा लो चाहे आप इसको इसमें से घटा लो, कितने आएंगे भाई 28, 97 में से 9 गए तो कितने बचे 88, और 91 में से 3 गए तो कितने बचे 88, तो कितने आएंगे 88 27, कितने आएंगे 88 27, 98 गुणा 88 करेंगे, कितना कम है भाई ये 2 कम है, कितना कम है भाई ये 2, ये कितना कम है भाई 12 12 दूनी 24, चाहे इसको इधर से घटाए चाहे इसको इधर से घटाए, 88 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 86, और 98 में से 12 गए तो कितने बचे भाई 86 86। कितना कम है भाई ये 3, ये कितना कम है भाई 11, ये सबसे कितना कम है 3, और ये कितना कम है भाई 11, 11 3 33, इसको इसमें से घटा लो चाहे इसको इसमें से घटा लो, एक ही बात है, कितने आ जाएंगे भाई 86, 97 में से 11 गए तो कितने बचे 86, और 89 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 86 भाई, 89 में से 3 जाएंगे तो भी 86, और 97 में से 11 जाएगा तो भी 86। इसी तरीके से 85 गुना 98 करें, कितना कम है भाई 15, कितना कम है 2,
ये 100 से कितना कम है भाई, 15 कम है 85, ये कितना कम है भाई 2 है, बस इतना देखना है। 15 दूनी 30, इसको इसमें से घटा दो चाहे इसको इसमें से, हम ज्यादातर छोटी संख्या को घटाएंगे जिससे कैलकुलेशन कम हो। तो 85 में से 2 गए तो कितने बच गए भाई 83, 85 में से 2 गए तो कितने बच गए 83। आगे देखो 99 गुना 75, 99 गुना 75, ये कितना काम है भाई 1, ये कितना काम है भाई 25, ये कितना काम है 1, ये कितना काम है 25, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, कौन सी संख्या छोटी है 1, तो 1 जो छोटी संख्या है उसी को घटाएंगे कैलकुलेशन कम लगेगी, क्रॉस में घटाना है हमें, ये किसको घटाएंगे तो इधर से 75 में से 1 गया तो 74, 75 में से 1 गया तो 74, और 99 में से 25 गए तो भी 74 ही होंगे। आगे देखो 74 गुना 98, ये कितना काम है भाई 26, ये कितना काम है 2, ये कितना काम है भाई 26, ये कितना काम है 2, 26 दूनी 52, छोटी संख्या को घटा लेंगे बड़ी को घटाने से क्या मतलब है, चाहे इसको इसमें से घटाए चाहे इसको इसमें से, ये तो कंफर्म होगा मान हमेशा एक ही आएगा, तो हम छोटी संख्या घटाएंगे बड़ी संख्या क्यों घटाएंगे, तो 74 में से 2 गया तो कितना आएगा भाई 72, 74 में से 2 गया तो कितना आएगा 72। अगला सवाल देखेंगे 94 गुना 94, कितना काम है भाई 6, कितना काम है भाई 6 6 36, चाहे आप इसको इसमें से घटा दो चाहे आप इसको इसमें से घटा दो किसी को घटा दो, तो कितने आ जाएंगे 94 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 88, कितने आ जाएंगे भाई 88। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 93 गुना 95, ये कितना कम है भाई 100 से 7 कम है, कितना कम है भाई 7, ये कितना कम है 5, ये कितना कम है 5, तो 7 5 35, 7 5 35, इसको इसमें से घटा दो चाहे इसको इसमें से घटा दो, एक ही बात है 93 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 93 में से 5 गए तो कितने बचे 88, और 95 में से 7 गए तो कितने बचे 88। अगला सवाल देखेंगे कुछ भी ले लो आप, गुना 92, कितना काम है भाई 4, कितना काम है भाई 4, कितना काम है भाई 8, 8 चौका 32, इसको इसमें से घटा दो चाहे इसको इसमें से घटा दो, 92 में से 4 आएंगे तो कितने आएंगे 88, और 96 में से 8 जाएंगे तो भी कितने आएंगे 88। तो मेरे को तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आगे का भाग 3 में इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, कैलकुलेशन को कल हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। सारी वीडियो को अच्छे से देखना है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मेरी गारंटी है यदि मेरे साथ आप बने रहोगे तो मैथ में आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती,
और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको कठिन लगता है बाकी कठिन नहीं है, सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है आज के दिन मैथ का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, मैथ के बिना विजय संभव नहीं है। ओके दोस्तों, बाय।